हेलो फ्रेंड्स, समर सीजन स्टार्ट हो गया है और इस सीजन में कुल्फी और आइसक्रीम खाना किसको नहीं पसंद है। अब रोज़ बाहर जाकर खाना तो पॉसिबल नहीं है, लेकिन अगर घर बैठे रोज़ आपको बाज़ार से भी अच्छा टेस्टी कुल्फी खाने को मिल जाए तो क्या बात है ना। तो आज मैं आपको कुल्फी प्रीमिक्स बताऊंगी, जिसको आप एक बार बनाकर रख ले और पूरी गर्मी घर बैठे मज़ेदार कुल्फी का इंजॉय कर सकते। इस प्रीमिक्स से कुल्फी बहुत ही सॉफ्ट और बहुत ही टेस्टी बनती है, बाजार से भी आपको ज़्यादा टेस्टी ये कुल्फी लगेगी। तो चलिए जल्दी से रेसिपी देखते हैं, बट इसके पहले अगर आप नए हैं चैनल पर तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा और नीचे बेल आइकन को भी जरूर दबा दीजिएगा। तो सबसे पहले हम लेंगे एक पैन और पैन को ऑयल से थोड़ा सा ग्रीस कर देंगे और उसके बाद उसमें डालेंगे आधा कप चीनी। चीनी को इवनली हम फैला देते हैं। गैस की फ्लेम हाई रखेंगे और जैसे ही ये मेल्ट होना स्टार्ट होगा, ये देखिए जैसे ही ये चीनी मेल्ट होना स्टार्ट होगा, इसे हम लगातार चलाते रहेंगे, क्योंकि चीनी बहुत ही जल्दी जलने लगता है और इसे लगातार चलाते हुए हम इसको कैरमलाइज कर लेंगे। थोड़ी देर में ये देखिए चीनी अब मेल्ट होना स्टार्ट हो गया है। थोड़ी देर इसे और हमें चलाना है और ये देखिए थोड़ी ही देर के बाद ये चीनी अच्छे से मेल्ट हो गई है, ये बिल्कुल अच्छे से कैरमल इसका बन गया है। अब इस स्टेज पर हम गैस की फ्लेम ऑफ कर देंगे और थोड़ा सा एक दो बार और हम इसे मिक्स कर देते हैं। अब एक प्लेट को ऑयल से ग्रीस कर लेंगे और ग्रीस की हुई प्लेट पर इसे हम फटाफट डाल देंगे। इसे जमने में सिर्फ 10 मिनट लगते हैं, बहुत ही जल्दी ये जम जाता है। थोड़ा सा इस तरह से हिला देंगे, ऑयल से ग्रीस करने पर ये बहुत ही अच्छे से निकल जाता है। और अगर आप ग्रीस नहीं करना चाहते हैं, अगर आपके पास बटर पेपर है तो आप बटर पेपर किसी ट्रे या प्लेट पर फैला दें और उसके ऊपर ये चीनी डाल दें और 10 मिनट के बाद ही ये देखिए बहुत अच्छे से सेट हो गया है। और ये देखिए मैंने जो तेल से ग्रीस किया था ना, उसके कारण ये बहुत जल्दी निकल गया, बहुत आसानी से निकल गया। बिल्कुल देखिए कितना बढ़िया बना है, बिल्कुल शीशे की तरह ये चीनी का कैरमल बनकर रेडी हुआ है। इसे हम छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ देंगे और अब इस टुकड़े को हम मिक्सर जार में डालकर इसका फाइन पाउडर बना लेंगे। आप चाहे तो चीनी को कैरमलाइज करने के बजाय ब्राउन शुगर का भी यूज कर सकते हैं, पर इसका टेस्ट और ब्राउन शुगर का टेस्ट बिल्कुल डिफरेंट आता है और इसका टेस्ट बहुत ही अच्छा आता है, तो मैं प्रीफर इसको ही करती हूँ। अगर आपके पास टाइम है तो थोड़ा सा टाइम निकाल लीजिए और चीनी को इस तरह से कैरमल करके फिर इसका फाइन पाउडर बना लीजिए। इससे कुल्फी का कलर भी बहुत अच्छा आता है और टेस्ट तो बहुत ही अच्छा आता है। अब इस पाउडर को हम एक बोल में ट्रांसफ़र कर देते हैं। तो अब ये पाउडर हमारा रेडी है, अब हम दूसरे स्टेप्स की तरफ बढ़ते हैं। तो यहाँ पर मैंने लिया है 4 पीस वाइट ब्रेड, ये याद रखिएगा आपको वाइट ब्रेड ही लेना है, ब्राउन ब्रेड नहीं लीजिएगा। और इसके साइड्स के जो ब्रेड हैं ब्राउन कलर के, उसके हम काट कर हटा देंगे। इसे फेंकिएगा नहीं, इसे आप किसी कटलेट में डाल दीजिए या इसको आप ब्रेड क्रम्स बनाकर भी रख सकते हैं। अब ब्रेड वाइट ब्रेड के स्लाइस को टुकड़ में करके मिक्सर जार में डाल देंगे, इसका फाइन पाउडर बना लेंगे। और ये देखिए बहुत ही फाइन पाउडर इसका भी बन गया है। इसको अब हमें लो फ्लेम पर भूनना है, तो इसको हम पैन में डाल देते हैं और बिल्कुल लो फ्लेम पर इसको हम तब तक भूनेंगे जब तक इसका कलर चेंज ना हो जाता है। बिल्कुल ये लाइट ब्राउन कलर का हो जाएगा तब तक हम इसे भून लेंगे। और ये देखिए इसका कलर बिल्कुल चेंज हो गया, एकदम ब्राउन कलर का हो गया है। तो अब इस स्टेज पर हम गैस की फ्लेम ऑफ कर देंगे और इसे भी हम एक प्लेट में ट्रांसफ़र कर देंगे। तो चलिए अब हमारे पास 2 इंग्रेडिएंट्स रेडी हो गए हैं, अब हम कुल्फी प्रीमिक्स को असेंबल करते हैं। तो सबसे पहले एक बोल लेंगे और इसमें डालेंगे ये जो ब्रेड को मैंने भुना है, इस ब्रेड भुने हुए ब्रेड को हम इसमें डाल देते हैं और फिर इसमें डालेंगे पिसी हुई चीनी, जो चीनी को मैंने कैरमल बनाकर उसे पीस कर रेडी किया था, उस चीनी को हम इसमें डाल देंगे। और फिर इसके साथ ही इसमें डालेंगे सबसे मेन इन्ग्रीडियंट्स मिल्क पाउडर, 2 कप मिल्क पाउडर हम इसमें डाल देंगे और कुल्फी का टेस्ट इसी से बहुत ही अच्छा आता है, ये बहुत गाढ़ा हो जाता है इसके कारण। ये कुल्फी प्रीमिक्स आप घर पर बनाकर जरूर रखें, इससे आपको बहुत ही आसानी रहेगा। चाहे आप इसके रबड़ी खाएं, चाहे आप इसकी आइसक्रीम जमा कर खाएं या ठंडा ठंडा दूध पिए, बहुत ही आसानी से बन जाएगा और हमेशा आपके घर में एक स्वीट डिश रेडी रहेगा। अब इसमें हम ऐड कर देंगे 2 बड़े चम्मच कॉर्नफ्लोर। कॉर्नफ्लोर कुल्फी को बहुत ही थिक बनाएगा, जिस बहुत ही जल्दी इससे दूध गाढ़ा हो जाता है। और इसमें थोड़ा सा फ्लेवर ऐड करने के लिए इसमें हम डालेंगे आधी छोटी चम्मच इलायची का पाउडर।
अब इसमें हम डालेंगे कुछ ड्राई फ्रूट्स। यहाँ पर हमारे पास है कुछ कटे हुए बादाम और पिस्ते, इसको हम कुल्फी में प्रीमिक्स में डाल देंगे। ये ऑप्शनल है पूरी तरह से, आप चाहें तो डालें या आप नहीं भी डाल सकते हैं। कुल्फी ऐसे भी आप बनाएंगे तो टेस्टी बनेगा। अब इसके साथ ही इसमें हम डाल देंगे 5 से 6 धागे केसर के, ये भी ऑप्शनल है, आपके पास है तो आप डाल दीजिए, वरना कोई बात नहीं, कुल्फी आपकी ऐसे भी टेस्टी बनेगी। तो इस तरह से ये प्रीमिक्स रेडी हो गया। अब इसे किसी एयर टाइट कंटेनर में आप इसको 6 महीने तक बड़े आराम से रख सकते हैं। तो चलिए, कुल्फी प्रीमिक्स तो हमारी रेडी होगी। अब इस प्रीमिक्स से कुल्फी कैसे बनाएंगे ये देखते हैं। तो इसके लिए एक पैन में डालेंगे 2 कप दूध। जब भी आपको कुल्फी बनाना हो तो आप कोई भी एक कप ले लें, जितना कप आप दूध लेंगे उसका आधा कुल्फी प्रीमिक्स डालना है। तो यहाँ पर मैंने 2 कप दूध लिया है, तो इसका आधा यानी 1 कप कुल्फी प्रीमिक्स डालेंगे और इसे एक हाथ से डालते जाएंगे और एक हाथ से चलाते जाएंगे, क्योंकि इसमें कॉर्नफ्लोर मिल्क पाउडर पड़ा है जो कि बहुत ही जल्दी पैन में चिपकने लगता है, जिससे टेस्ट खराब हो सकता है। इसलिए लगातार इसे चलाते रहेंगे ताकि ये पैन में ना चिपके। और सारा डालने के बाद इसे लगातार चलाते हुए हम 2 से 3 मिनट पका लेंगे, बहुत ही जल्दी ये थिक हो जाता है। और थोड़ी ही देर के बाद ये देखिए बहुत ही थिक हो गया है, बिल्कुल बाजार जैसा रबड़ी लग रहा है ना, ये गर्मा गर्म रबड़ी आप घर पर अगर कुल्फी प्रीमिक्स बनाकर रख लेंगे तो हर रोज खा सकते हैं। इस तरह से आप रबड़ी घर पर बनाइए और गर्मा गर्म ऐसे खाइए, जलेबी के साथ खाइए, बहुत ही टेस्टी लगता है। और सच मानिए ये बाजार से भी अच्छा रबड़ी बनकर रेडी होता है। इसको ऊपर चाहे तो आप थोड़े से पिस्ता और बादाम से गार्निश कर सकते हैं। तो अब इस तरह से रबड़ी तो हमारी रेडी हो गई है। देखिए टेक्सचर इसका कितना अच्छा लग रहा है ना, बहुत ही बढ़िया लगता है ये खाने में। अब कुल्फी बनाने के लिए इसी तरह से रबड़ी बनाना है और इसको पूरी तरह से ठंडा करके मिक्सर जार में पीस लेना। और ये देखिए इसका टेक्सचर बहुत ही इससे स्मूथ हो जाता है। अब इसको आप चाहे किसी भी पेपर कप में या इस तरह से, अगर आपके पास कोई मटका है तो मटका कुल्फी बना लीजिए, मटके में डालकर ऊपर से थोड़ा सा ड्राई फ्रूट से गार्निश कर लीजिए। और इस कुल्फी जमाने के लिए कोई ज़रूरी नहीं है कि आपके घर में ये आप मोल्ड हो, कुल्फी जमाने के लिए मोल्ड हो, आप इस कोई भी ग्लास में भी इसको जमा सकते हैं। इस तरह का आपके पास ग्लास है तो उसमें आप कुल्फी बैग के बैटर को इस तरह से भर दीजिए और इसे कवर करने के लिए एल्युमिनियम फॉयल से इसे अच्छे से ढक दीजिए ताकि इसमें कोई भी आइस क्रिस्टल ना जमे, और रबर बैंड से इसे लगा दीजिए ताकि ये खुले नहीं। दोनों को इसी तरह से हम कवर कर लेंगे और फ्रिज में 6 से 7 घंटे के लिए इसको जमने के लिए रख देंगे। तो अब इस कुल्फी को हम रख देते हैं फ्रिज में जमने के लिए और 6 से 7 घंटे तक वेट करते हैं। और 6 से 7 घंटे के बाद ये देखिए हमारा कुल्फी बनकर बिल्कुल रेडी है। तो सबसे पहले तो इसका एल्युमिनियम फॉयल हम हटा देते हैं, और ये बस ध्यान रखिएगा एल्युमिनियम फॉयल से जरूर ढकिएगा, इससे आइस क्रिस्टल बिल्कुल नहीं जमता है और बहुत ही अच्छा बनता है कुल्फी। और ये मटका कुल्फी तो आप स्पून से ऐसे ही खा लीजिए, पर ग्लास वाली कुल्फी को तो हमें निकालना होगा। तो ये दोनों हाथ से जैसे बाजार वाले करते हैं ना, इस तरह से दोनों हाथ से इसे ग्लास को हम रब कर देंगे ताकि जो कुल्फी के किनारे पार्ट है ना वो ढीले हो जाएंगे और बहुत आराम से निकल जाएंगे। तो इसको हम निकाल लेते हैं और आप फिर इसको आप मन चाहे शेप में काट कर या आप गोल काटिए या किसी तरह से काटिए और फिर इसको इंजॉय कीजिए। और ये देखिए कितने आसानी से निकल गया ना। तो ग्लास को आप दोनों हाथ से पकड़ कर थोड़ा सा रब जरूर कर लें, इससे बहुत ईजिली बाहर निकल आएगा। इसे कट कर लेते हैं और कट करने के बाद आप इसका टेक्सचर देखिएगा, बहुत ही बढ़िया आता है। ये देखिए बिल्कुल इसका कलर और टेक्सचर बिल्कुल बाजार वाला लग रहा है ना, आपको हम एक कट करके दिखाते भी हैं। और ये देखिए बहुत ही बढ़िया बना है, बहुत ही लाजवाब बना है। तो आप भी जरूर ट्राई कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। बाय बाय।